हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी हिडन ब्रा स्ट्रैप कैसे लगाई जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से सूट में, ब्लाउज में या कुर्ती में, जिसमें भी हो, किसी भी चीज़ में आप इसे लगा सकते हो। और इसे ब्रा की स्ट्रैप साइड से दिखती नहीं है और ये इस तरह से लगाई जाती है। ये देखिए, ये इस तरह से लगाई जाती है। मैं आपको बताती हूँ इसे बनाते कैसे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से एक पट्टी काटी है और इसकी लंबाई मैंने ली है 8 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच के आसपास है इसकी चौड़ाई। और ये मैंने इस तरह से ली है कि एक दोनों साइड की ली है ये मैंने। एक साइड में लगभग आपको 4 इंच के आसपास लेनी है, और ये मैंने दोनों साइड की एक साथ ही ली है। और इसे हम इस तरह से मोड़ के इसमें सिलाई लगानी है और इसे तैयार कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमें ऐसे करके दोनों साइड से मोड़ना है ये, और फिर इस पर सिलाई लगानी है ऐसे करके। इस तरह से करके हमें इसमें सिलाई लगानी है ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से सिल दिया है। अब इसे हमें ऐसे डबल करना है और इस तरह से काटना है। ये इस तरह से हमें काटना है। ये हमारी दोनों साइड की पट्टियां तैयार हो गई है, ये देखिए। और अब हम इसे अपने सूट में लगाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारा कंधा है यहाँ पर, तो हमें इसे ऐसे लगाना है। ये जो हमारी ये जगह होती है, इस जगह पे हमें इस तरह से, और ये जो सिलाई है हमारी, ये सिलाई, इससे हमें इस साइड ही लगाना है, इस साइड नहीं करना है। केवल इधर की साइड हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए, ऐसे ऐसे रखना है और इसमें हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से आप पकड़िए इसे, ये देखिए ऐसे, इस तरह से, और ऐसे सिलाई लगानी है। इसे हमें पक्का करना है। ये देखिए, ये हमारी अब पट्टी लग गई है इसमें, और अब हम इसे ऐसे मोड़ देंगे। ये अगर हमारा एक्स्ट्रा है तो हम इसे बाद में काट देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमें ऐसे मोड़ना है और इसे हमें यहाँ तक नहीं लगाना है, केवल यहाँ तक लगाना है। आपको यहाँ तक लगाना है ये, आप देख ले, आपको जितनी भी इसकी लंबाई चाहिए इतनी लंबाई इसकी सही है, बिल्कुल इतनी लंबाई इसकी बिल्कुल सही रहेगी। यहाँ पे आपको अब क्या करना है, आपको अब सुई की हेल्प लेनी हो, सुई की हेल्प से इसमें बटन लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है इस तरह से डबल करके। और ये देखिए, ये इस तरह के बटन आते हैं, प्रेस बटन जिन्हें बोलते हैं, इस तरह के आएंगे। और इसे हमें निकाल लेना है ये ऐसे। और अब आपको ये देखिए, अब इसे हमें इस तरह से मोड़ना है, इतना यहाँ के लिए हमारा इतना काफ़ी रहेगी इतनी लंबाई। यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाइए आप, इसके यहाँ इस साइड लगानी है हमें। अब हमने ऐसे मोड़ लिया। इसमें दो तरह के होते हैं, एक ही नीचे की साइड होता है लगाने के लिए और ऊपर की साइड। ये जो ये वाला हिस्सा है ये आपको यहाँ लगाना है इसमें, और ये वाला हिस्सा आपको नीचे की साइड इसमें लगाना है। तो अब हम इसे लगाएंगे सुई की मदद से, हम इसमें इसे सिल देंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से ये इसमें सिल दिया है।
ये ऐसे, ठीक है। और अब हमें ये इसमें इसी तरह से सिलना है। अब हमें इसे लगाने के लिए क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से देखना है, ऐसे ऐसे देखना है लगा के, और जहाँ पे ये आएगा इसी जगह पे हमें, ठीक इसी जगह पे हमें ये ऐसे लगाना है। ये हमें इस तरह से इस साइड से लगाना है ताकि ये एकदम इसमें फिट हो सके, इस तरह से, ठीक है। ये हमें ऐसे लगाना है, और इसके लिए अगर आप इसे थोड़ा टाइट कर दोगे, अगर ये ऐसे टाइट हो जाए तो भी ये आपका ख़राब लगेगा, ठीक है। और अगर आप इसे ढीला करोगे तो भी ये ख़राब लगेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि ये बिल्कुल इसमें परफेक्ट आए, इस तरह से इसमें बिल्कुल परफेक्ट आए, आपका ये लंबा ज़्यादा या तो ढीला ना हो या तो टाइट ना हो, ठीक है। आपको इस तरह से इसमें लगाना है जो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठे, इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ऐसे देख लिया है कि मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। आप या चौक की मदद से इसमें निशान लगा सकते हो, और तब भी इसे आप इसमें अटैच कर सकते हो। ये यहाँ पे मैंने ऐसे पकड़ लिया, और अब सुई की मदद से इसमें मुझे सिलना है ऐसे। और आपको इसमें एक और बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमारी जगह है, ये कपड़े की हम यहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे, हमारी सिलाई यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए, पीछे की साइड जो हमारा फ्रंट साइड है इसमें हमारी सिलाई ना दिखे, इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है, इस तरह से ये ऐसे करना है। और इसमें पक्का टाका लगा देंगे हम ऐसे, अच्छे से इसमें, ताकि ये निकले ना, इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से, और अब हम इसे ऐसे बंद करेंगे। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है, और ये देखिए फ्रंट साइड से ऐसा दिखाई देगा। हमें इस तरह से उसमें सिलाई लगानी है ताकि हमारा ये आगे की साइड ना दिखे, केवल ये हमारा बैक साइड में ही रहे, केवल इस तरह से हमारी सिलाई आए, ये देखिए। और ये जो एक्स्ट्रा का है, चाहे आप इसे काट सकते हो या ना काटो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इस तरह से आप बंद करें, और ये आप ब्लाउज़ में, कुर्ती में, सूट में, किसी में भी आपकी जिसमें इच्छा हो उसमें लगाएं, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, इससे ब्रा की स्टेप साइड से नहीं दिखती है। आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। देखने के लिए धन्यवाद।